वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज आपके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सभी कलरफुल प्लांट्स जो हम इंडोर भी कह सकते हैं और हमारी जो प्राइस रेंज है उसके बीच में आते हैं, तो मैं आपको पूरी तरह से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा और साथ ही साथ आपको प्राइस भी बताऊँगा कि कौन से प्राइस पर मैंने लिए हैं। और ये सभी जो प्लांट्स आप इंडोर भी रख सकते हैं, चाहे आप आउटडोर बालकनी में भी रख सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास जो पौधा है, इसका नाम है ड्रेसिना कॉर्डिलाइन रिफ्लेक्सा। ये दोस्तों एक ड्रेसिना की वैरायटी है जो कि बहुत ही इजीली हम अपनी नर्सरी में ले सकते हैं। इसका जो प्राइस होता है, जो मुझे मिला है, ये 40 रुपीज़ का एक प्लांट मिला था और इसके साथ मैंने इसको पॉट में शिफ्ट किया है। और उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो पत्ते हैं बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। और इनकी जो मैंने स्पॉट रखी है जहाँ पे ये मैंने रखे हुए हैं, वो मैंने बड़े प्लांट्स के नीचे रखे हुए हैं, जिसके साथ इनको बहुत बढ़िया सनलाइट भी आती है और फिल्टर्ड सनलाइट आती है, जो इनकी मेन रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों आप यहाँ पर इसके जो स्मॉल ब्रांचेस भी देख सकते हैं, जिनको हम काटकर इंडिविजुअल प्लांट भी बना सकते हैं। सो आप इस प्लांट को भी ज़रूर ऐड करें और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। सो हमारा जो नेक्स्ट वन प्लांट है वो है पोथोस, जिनको हम मनी प्लांट बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो वैरायटीज आती हैं मनी प्लांट की, जैसे इस कलर में वेरिएशन में, एक तो स्मॉल जो इसके लीव्स होते हैं, एक बड़े लीव्स वाली। ये आप देख सकते हैं ये बड़े लीव्स वाली मनी प्लांट की जो वैरायटी है। और मनी प्लांट तो बहुत ही सस्ता मिल जाता है, मुझे ये 25 रुपीज़ का एक प्लांट मिला था। और दोस्तों अगर आपको बढ़िया तरीके से ग्रो करना है तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसमें एक मॉस्टिक भी ज़रूर लगाएं, और उसके साथ आपका पौधा बहुत बढ़िया पत्ते भी निकालेगा और उसकी वेरिएशन भी आपको देखने को बहुत बढ़िया मिलेगी। आप सभी जो कलरफुल प्लांट्स अपने बालकनी में ऐड कर सकते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट वन प्लांट है, इसका नाम है शेफलेरा, इसको स्केफलेरा भी बोलते हैं। और इसकी जो प्राइस रेंज होती है वो नियर अबाउट 50-60 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इसकी एक मिनिएचर वैरायटी भी आती है दोस्तों। और इनको ग्रो करने के लिए आप सिर्फ सैंडी सॉइल ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी मैंने सभी पौधे लगाए हैं, ये मैंने 8 इंचज़ के ब्लैक पॉट में लगाए हैं, जो कि नर्सरी पॉट भी होते हैं। और इनको ग्रो करने के लिए सिर्फ मैं इनको NPK देता हूँ, जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट होना चाहिए, फॉस्फोरस और पोटाशियम का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। या आप DAP देख सकते हैं फॉर फॉस्फोरस, और आपका पौधा बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो वेरिएशन है बहुत बढ़िया तरीके से है, और इसके लिए ये ज़्यादातर यहाँ पे पाया जाता है। और दिस वन इज़ वेरिएटेड फाइकस, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट में मुझे मिला था, 40 रुपीज़ का एक प्लांट मिला था मे बी। और ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, सिर्फ मैंने इसकी रिपॉटिंग की थी, उसके बाद मैंने इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला। हाँ, ये जो सर्दियों में थोड़े से अपने पत्ते हैं जो शेड करने लग जाता है, पर दोबारा से मार्च में बहुत बढ़िया तरीके से ये ग्रोथ करता है और अपने पौधों में बहुत बढ़िया तरीके से वुडी ग्रोथ लाता है, जो हम अगर इसको प्रोपेगेट करना चाहें वो बेनिफिशियल है, क्योंकि वुडी ग्रोथ सबसे पहले रूट्स निकालती है। दोस्तों अगर आपको ये पौधे चाहिए, बहुत ही नॉर्मली पौधे हैं, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको पौधे सस्ते चाहिए तो हमेशा वो नर्सरी में जाने की कोशिश करें जो कि बहुत कम स्केल पे है, बहुत ही छोटी है और उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके के पौधे भी मिलेंगे, और सेकेंड और उसकी कॉस्ट भी लो होगी। अगर आप ज़्यादा बड़ी नर्सरीज में जाएंगे, वो इनको पॉट में शिफ्ट करके नियर अबाउट 200-250 रुपीज़ में सेल करते हैं, इसलिए हमेशा पॉलीबैग वाला जो पौधा खरीदें। और सेकेंडली जो नर्सरी है वो स्मॉल स्केल वाली होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट वन प्लांट, ये भी एक तरह का सॉन्ग ऑफ इंडिया इसका नेम है, और इसकी भी वेरिएशन आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा है, पर साथ ही इसका जो एक स्मॉल जो ब्रांच भी निकल आई है, जो कि इसकी जो खाली जगह है उसको पूरी तरह से फिल कर दी है। इसको भी दोस्तों आप 40-30 रुपीज़ में बहुत ही ईजिली अपने यहाँ पर ले सकते हैं। इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है नर्सरीज़ में। और इनको ग्रो करने के लिए आप कोई भी सैंडी सॉइल या कोई भी मीडिया चूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे, जो भी आपके इंडोर प्लांट्स होते हैं या जो ये वाले पौधे हैं जिनको सेमी शेडेड एरिया पसंद है, इनको कभी भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत दें, क्योंकि ये अपने लीव्स बहुत ज़्यादा शेड करने लग जाते हैं और एक टाइम पे आपका पौधा मर भी सकता है। और दिस वन है सुदर्शन, जो आप देख सकते हैं, और ये भी बहुत ही नॉर्मली कॉस्ट पे आता है, बट ये 60 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे मिला था। इसको दोस्तों आप कटिंग से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। एंड जो ये वाला प्लांट है, इसका जो एक्चुअल मदर प्लांट है वो अलग है, इसकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने इसको काट कर दोबारा से इंडिविजुअल पॉट में लगा दिया, और ये विद इन अ 15 डेज इसने रूट्स अपनी इमर्ज कर दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हेल्दी ग्रोथ हो रहा है। और दोस्तों अगर आप इसकी और बढ़िया ग्रोथ चाहते हो, इनको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है एंड मॉइस्चर भी पसंद होता है, इसके लिए अगर आपके पास कोई भी स्प्रेयर है या उसके साथ आप मिस्ट कर सकते हैं जो वाटर है इसके ऊपर, जिसके साथ इनको बहुत बढ़िया तरीके का क्लाइमेट प्रोवाइड होगा। और सेकेंडली अगर आपके यहाँ पे मॉनसून सीजन चल रहा है तो इनको ज़रूर मॉनसून वाटर प्रोवाइड करें।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है ड्रेसिना मार्गिनाटा, ये भी एक ड्रेसिना की वैरायटी है। इसमें आप कलर्स देख सकते हैं, अगर हम इसको पूरी तरह से देखें यहाँ पे 7 to 6 कलर्स आपको मिल जाएंगे जो कि इसके लीव्स में है। बहुत ही डिफरेंट शेड्स होते हैं, इसका एक प्योर ग्रीन कलर भी आता है जो कि आप नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। ये भी दोस्तों 20 to 30 रुपीज़ का आपको पौधा मिल जाएगा। इसको भी ग्रो करने के लिए कोई भी सॉइल चलेगी, और हमेशा अपने पौधों को 8 inches के पॉट में लगाओ कि ये तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। और इनको ग्रो करने के लिए जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं उनके रिलेटेड अगर आप ग्रो करोगे या उनके अकॉर्डिंग ग्रो करोगे तो आपके पौधे बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होंगे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इसको भी आप अपने घर पे ज़रूर ऐड कर सकते हैं अगर आप अपने बालकनी को कलरफुल बनाना चाहते हो। और यहाँ पे है दोस्तों कोलियस, ये बहुत ही नॉर्मल प्लांट है और इसकी तो कॉस्ट हमेशा सेम ही होती है, 25 to 30 रुपीज़ में आपको एक पौधा मिल जाता है, और इसको सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। और ये वाले पौधे जो आप देख सकते हैं ये दोनों मैंने सीड से ग्रो किए हैं, और एक में सीडलिंग्स आप दोस्तों देख ही सकते हैं। इनको ग्रो करने के लिए कुछ खास चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसके जो सीड्स हैं सेपरेट कर सकते हैं ऊपर कोकोपीट का मिक्सचर डाल के, और विद इन अ वीक इसके जो सीड्स हैं दोबारा से इमर्ज होने लग जाते हैं और इसके इंडिविजुअल प्लांट विद इन 2 months आपको रेडी मिल जाएंगे। सो इसको भी आप अपने घर पे ज़रूर ग्रो करें। इसको थोड़ा सा रेनी सीजन में बचा के रखना पड़ता है क्योंकि इसमें फंगस बहुत ज़्यादा लग जाती है। और दिस वन इज स्पाइडर प्लांट, और स्पाइडर प्लांट को आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये बुशी हुआ है, और इसके साथ एक छोटी सी वाइन देख सकते हैं जो कि टेंगल हर्ट वाइन है इसका नाम। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाली वाइन है, ये सर्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करती है, और इसको मैंने हैंगिंग बास्केट्स के लिए स्पेशल इसका कॉम्बिनेशन तैयार किया था जिसके साथ जो वाइन है वो नीचे को जाएगी और जो स्पाइडर प्लांट है उसके पप्स ज़्यादा जो हमारी बास्केट को पूरी तरह से फिल करेंगे। सो इसको भी आप अपने घर पर ऐड करें। स्पाइडर प्लांट के दोस्तों आप रनर्स भी लगा सकते हैं जो इसकी लॉन्ग शूट्स आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही आप इसके पप्स भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके काफ़ी सारे पौधे लगे हैं, इनको निकाल कर आप दोबारा से लगा सकते हैं अलग अलग। और इसकी जो टेंगलर्ड वाइन है इसका आप कोई भी पत्ता लगा दें या इसकी कटिंग लगा दें, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, और ये बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया पौधे हैं दोनों, और ये बालकनी में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, चाहे आप इसको इनडोर रखें चाहे आउटडोर रखें, ये दोनों जो क्लाइमेट्स में बहुत बढ़िया तरीके से सर्वाइव करते हैं। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और साथ ही साथ आपको ये सभी जो पौधे मैंने दिखाए हैं आपको रेट्स भी सही लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।